हेलो गाइस, आई एम प्रियंका कोले एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। एंड आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होगा और आज मैं रेडी हुई हूँ और कहाँ जा रही हूँ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा, चलो फिर भी मैं बता देती हूँ। आज मैं जा रही हूँ मेरे लाइफ का फर्स्ट ऑडिशन देने बंगाली डायरेक्टर जो है राहुल शाह सर, उनका प्रोडक्शन हाउस में, रेड इनकारनेशन अ हाउस ऑफ विजन। चलो जाते हैं उसमें ऑडिशन देते हैं और चलो देखते हैं क्या होता है, सिलेक्टेड होती हूँ कि नहीं, और पूरा जर्नी पूरा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो गाइस, निकल पड़े हैं ऑडिशन में जाने के लिए और रास्ता भी काफ़ी लॉन्ग है और मैं तो अंदर से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि क्या होगा, चलो देखते हैं। आप लोग बस पूरा व्लॉग देखते रहिए और आप लोग को सब कुछ पता चल जाएगा और जो मुझे बोलना रहेगा वो वीडियो के एंड में हम सब कुछ समझा देंगे आप लोगों को। तो चलो गाइस, अब हम लोग पहुंच चुके हैं और ये रूम था जहां पे जाके हम लोगों को वेट करना था और इधर ही हम लोगों को फॉर्म फिलअप भी करना था और इधर हम लोगों को स्क्रिप्ट दिया गया था जो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। आप लोग देख पाएंगे, देखिए सब स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं और ये मेरा स्क्रिप्ट है, आप लोग देखिए ये सब भी ऑडिशन देने आए हैं और सब अपना अपना स्क्रिप्ट लर्न कर रहे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कल तो आप लोगों को व्लॉग दिखा चुके हैं, इससे ज़्यादा कुछ शूट नहीं हुआ है और कल मैं इतना ज़्यादा टायर्ड हो गई थी आखिर की, फिर मैं ऑडिशन में क्या क्या हुआ वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई थी, तो सोचे कि चलो आज वीडियो बना लेते हैं और आप लोगों को पूरी डिटेल्स दे देते हैं। ऑडिशन स्पॉट जहाँ था वो था कलकत्ता जादवपुर, तो मुझे जादवपुर जाना था। जैसे आप लोग देखे हैं हम ओला किए थे, जादवपुर गए थे और जाके एड्रेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अंदर था, तो ढूंढ के वो गए। फिर जाने के बाद थोड़ा सा वेट करना पड़ा था, लेकिन हाँ वो लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं एड्रेस ढूंढने में। आप अगर उधर जाके कॉल करिएगा तो वो लोग खुद आके आप लोगों को ले जाएगा। और हाँ, फिर जाके मुझे वेट करना पड़ा था थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज़्यादा ही टाइम था वेट करना पड़ा था, क्योंकि जाके तो सबसे पहले हम लोगों को फॉर्म दिया गया था और वो फॉर्म फिलअप करना था और फॉर्म के साथ 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एंड 2 पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो एंड अपना आधार कार्ड का जेरॉक्स, ये सब कुछ अटैच करके उन लोगों को जमा करना था। तो फिर हम लोगों को एक एक स्क्रिप्ट दिया गया था और मेरा वाला रोल था सत्यभामा का, वो मुझे दिया गया था जो आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, वो मुझे लर्न करना था और उसको एक्टिंग करके दिखाना था ऑडिशन में, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मेरा तो मुझे 5 मिनट में लर्न हो गया था, मेरा तो लगा मुझे बहुत इजी है और मुझे लर्न भी हो गया था। फिर बहुत टाइम बाद बुलाया गया था मुझे, तो हम गए और जाने के बाद, मतलब आपका जब स्क्रिप्ट हो जाएगा कम्प्लीट, आपका लर्न हो जाएगा तो आप खुद बता सकते हैं हाँ मेरा कम्प्लीट हो गया, अब हम आ सकते, तो फिर आपको उसी हिसाब से बुलाया जाएगा। फिर मुझे भी बुलाया गया, फिर मैं गई तो एंटर की तो राहुल सर थे और एक जन सर थे और एक मैम भी थी। फिर मुझे अपना इंट्रो देने बोला गया, मैं अपना इंट्रो दी, अपना प्रोफाइल दिखाई। फिर उसके बाद सर, मतलब राहुल सर ने बहुत कुछ समझाए एक्टिंग के बारे में, ये सब के बारे में बहुत कुछ थोड़ा थोड़ा पूछा भी गया। और हाँ, एक बात आप लोगों को पहले से बता देती हूँ जो मुझे पता सच में नहीं था और अगर पता होता तो बहुत हेल्प हो जाता, कि जो लोग के बॉडी में बहुत ज़्यादा टैटू है वो लोग टैटू सोच के कराइए, क्योंकि एक्टिंग करियर आप शुरू करना चाहते हैं तो बॉडी में बहुत ज़्यादा टैटू मत कराइए, क्योंकि टैटू बहुत ज़्यादा बॉडी में होने से एक्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये सर मुझे कल समझाए और एक मैम भी थी वो भी समझाए, एंड मुझे भी पूछा गया मेरे कितने सारे टैटू है, मेरे 2 टैटू हैं, तो इसके लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। और सर मुझे बोले कि कुछ कुछ काम में थोड़ा दिक्कत होगा मुझसे,
बट हाँ, मेरा परफॉर्मेंस, मेरा सब कुछ, मेरा प्रोफाइल, सब कुछ सर को बहुत ज़्यादा पसंद आया। वो सर डायरेक्टली बोल ही दिए सामने, और जो जो मुझे इम्प्रूव करना है वो भी बोल दिए, और हाँ हम भी सर को बोल दिए थे, सर ये मेरा फर्स्ट टाइम है तो थोड़ा सा नर्वस तो होंगी, लेकिन हाँ मैं अपनी फुल कॉन्फिडेंस के साथ मेरा अच्छा वाला परफॉर्म देके आई हूँ। और हाँ, स्क्रिप्ट तो बोले थे आप लोगों को लर्न, मुझे बहुत अच्छे से हो गया था, बट फिर भी हम सर के सामने जाके, ऑडिशन में जाके दो बार तो अटक गए थे, लेकिन बहुत ईजी था, पता नहीं हो जाता है, लाइफ में फर्स्ट टाइम था, बट मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड हाँ, मेरा सब कुछ प्रोफाइल उनको बहुत अच्छा लगा, मेरा बहुत सारे तारीफ भी की और बहुत अच्छा बोले। और फिर और जिन लोग का फर्स्ट राउंड में नहीं हो रहा था उनके लिए सेकेंड राउंड भी था, ये सब भी था। फिर मेरा दो दो राउंड में, मतलब इंट्रो और स्क्रिप्ट वाला दो दो राउंड में सिलेक्शन हो गया गाइस, फाइनली हो गया। एंड सर मुझे बोले कि इसके बाद मुझे एक दिन स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और उसमें जाके मुझे स्क्रीन टेस्ट देना है, मतलब कैमरा फेस करना है। और हाँ, कैमरा फेस में भी थोड़ा प्रॉब्लम था, कल वो लोग बताए कि मेरा आँख बार बार इधर उधर हो रहा था, इसमें पूरा कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। और फिर सर मुझे बोले कि आप घर में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस तो करना है, फिर एक दिन बुला है जैसे आप लोगों को बोले स्क्रीन टेस्ट के लिए, फिर वो डेट वो लोग मुझे इन्फॉर्म कर देगा फ़ोन में या व्हाट्सएप में, तो फिर मुझे एक दिन जाना है और अपना स्क्रीन टेस्ट देना है। तो मेरा फाइनल, मतलब पहला वाला जो, इस पहला वाला जो था, फर्स्ट वाला में तो सिलेक्शन हो गया है, और फिर स्क्रीन टेस्ट देना है मुझे, उसमें भी सिलेक्शन हो जाए बाय गॉड प्लीज़। और मुझे पूछा गया मुझे कुछ एक्सपीरियंस है कि नहीं, तो मुझे नहीं था तो हम बता दिए थे कि मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हाँ लेकिन मुझे मॉडलिंग के एक्सपीरियंस है, तो ये भी हम सर को बता दिए थे। और सर पूछे थे कि हम कहाँ से मॉडलिंग किए हैं, तो ये भी हम बताए थे कि इंडी रॉयल से किए थे, तो यही सब पूछा गया था। और जो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है कि आप आउटडोर शूट करने के लिए कंफर्टेबल है कि नहीं, आप ड्रेसअप के बारे में कंफर्टेबल है कि नहीं, ये सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर बोला गया था कि आउटडोर शूट अगर होगा तो कोई भी पेरेंट्स को ओनली वो लोग अलाउ करेगा, वो आपके मदर हो या फादर, ओनली पेरेंट्स को अलाउ करेगा, बाकी और किसी को नहीं। और हाँ, लेकिन ये बात बोलेंगे कि सर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ उनके सामने बात करने में। तो हम लोग फर्स्ट ऑडिशन देने गए थे तो इसीलिए सर बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कराए हम लोगों को, कि हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर तो खास कुछ हुआ नहीं, फिर मेरा ऑडिशन ख़त्म हो गया, सर मुझे बोले आप सिलेक्टेड हो गए हो, फिर आपको फाइनल बता दिया जाएगा। ओके, फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा वेट की और मुझे सिलेक्शन का पता चल गया, फिर संग संग मैं चली आई। अच्छा हाँ, और एक बात, लास्ट में मैं सर को खुद बोली थी, सर मुझे आपके साथ एक सेल्फ़ी लेना है और आपके साथ काम करने का भी बहुत मन है, तो सर मेरे साथ फ़ोटोज़ भी लिए जो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और हाँ, इसके बाद मैं फिर घर चली आई। यही था मेरा जर्नी, और जर्नी सच में बहुत अच्छा था, ये मेरा फर्स्ट ऑडिशन था, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी गाइस। एंड फिर देखते हैं, फिर नेक्स्ट जिस दिन वो लोग मुझे स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाएगा वो ब्लॉग भी आप लोग के साथ पूरा शेयर करेंगे। और हाँ गाइस, बस ऑडिशन रूम का वीडियो तो हम नहीं ले पाए क्योंकि शायद अलाउ भी नहीं है, और मेरे साथ कोई था नहीं जो मेरा शूट कर देता, बट हाँ वो रूम में शूट करना अलाउ भी नहीं था। ओके गाइस, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब मेरा स्क्रीन टेस्ट होगा उसमें भी आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे।